नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ऐसे स्कूल जिन्हें सीएमराइज के तौर पर चिन्हित किया गया है तथा इन स्कूलों पर पदस्थ ऐसे शिक्षक जिन्होंने सीएमराइज शिक्षक चयन परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया है या सीएमराइज शिक्षक चयन परीक्षा में हिस्सा लिया है लेकिन वह उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, ऐसे शिक्षकों के अन्य स्कूलों में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो चुकी है। इस संबंध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे शिक्षक साथी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं और कैसे वह स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, सीधा चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और जानते हैं क्या रहेगी पूरी प्रोसेस। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप टाइप कर दें एजुकेशन पोर्टल और एजुकेशन पोर्टल लिखकर आप सर्च कर दें। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल लिखकर सर्च करेंगे तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। इनमें से आप एजुकेशन पोर्टल 2.0 इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एजुकेशन पोर्टल का होम पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप राइट साइड में लॉगिन करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपसे आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। जैसे ही आप अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे लेकिन जैसे ही आप इसे नीचे लेकर जाएंगे यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा टीचर ट्रांसफ़र, आप इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे जैसे होम, सीएमराइज, सेटअप पोस्ट, वैकेंसीज। तो इसमें आप ये जो सीएमराइज ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ भी आप देख रहे होंगे सेटअप पोस्ट, यदि आप स्कूल वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं तो ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है सेटअप पोस्ट, आप इस पर क्लिक कर दें। इसमें यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यू सेटअप एंड पोस्ट कोड, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं पहले वाले पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसमें आपके ज़िले का नाम, विकास खंड का नाम, शाला का प्रकार और विषय पैनल समूह, अथवा इसमें आप विद्यालय का डाइस कोड भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने विद्यालय का डाइस कोड डाल देता हूँ और आपको इसमें ये कैप्चा भी फिल करना होगा। इतना करने के बाद आप व्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप जिस स्कूल की जानकारी इसमें डालेंगे उस स्कूल पर जो भी पद भरे हुए हैं अथवा खाली हैं उनकी जानकारी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इस तरीके से आप संबंधित स्कूलों पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप हम सीएमराइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहले ही नोट आ जाता है दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एट 4 PM, यानी कि आज 4 बजे के बाद जो शिक्षक साथी हैं वह ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए भी अलग से शीघ्र ही एक वीडियो तैयार कर अपलोड किया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो शिक्षक साथी हैं वह एप्लीकेशन में क्या क्या जानकारी फिल करेंगे और कैसे उन्हें एप्लीकेशन को लॉक करना है वो सारी जानकारी एक अन्य वीडियो के माध्यम से जल्द ही आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।